जिनका नाम अब्बास बताया गया, रुपया का कमी नहीं हो, नाम का कमी नहीं हो, रह का कमी नहीं हो, यह कमी है कि उठा पर आए गए तो बाल बचता ना भैया शहजाद के मालिक के दरबार से बिटिया का प्राप्ति हुई, ताने शुरुआत होना पूरे शरीर में कोर हो गए। एक चौथे पर में बिटिया, अच्छा बिटिया 16 साल के भाई जवानी के दहलीज पर कदम रखने से पूरे शरीर में कोर, लाख सफाई करे सहसा, लेकिन बिटिया का कोर थी ना भैया, के हार में उन्होंने पत्र लिखवाया कि जो कोई बिटिया का रोग ठीक कर देगा, कोढ़ ठीक कर देगा, मुहबाना इनाम दूंगा। चिट्ठी दिखवा करके पूरे विश्व में फैला दी, चिट्ठी बांग्लादेश से उड़ आई हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान जहां की मिट्टी पारस है, उस शहर का नाम बनारस है। बनारस से रहने वाले कबीरदास की उल्टी बाणी पर संबंध भी गए, कबीर जी चिट्ठी के बदलन की बगदाद जैसे शहनशाह अब्बास का चौथा पद हो गए, लोग को बाल बच्चा ना भैल, और चौथा पद में एक बिटिया रहे 16 साल का भाई लोग शरीर में शहनशाह दुखी थे, चिट्ठी निकले जे जे बिटिया का दो ठीक दे दी, जो कुछ मांगे दे दे, अपन भोला उठो में कबीर जी चल गई लेरा, जब बर्दाश्त पहुंचे वो चल गए कौन से गए, लेकिन माता बहुत मेरे कभी ना होगा बिहार साहब में माता बहुत बताए बिता गए देखता है, लेकिन बिटिया का कोई ठीक नहीं है,
पहला की बेटी अवा हो कहा कभी भी गलत संसार की अवा हो कहा कैसे बोलेगा कहो जो तेरे शरीर में कोर हो गया मोहल से निकलता ना हो कुछ दिन बाद अब बात मैं बात सुन लस जन्मा देख बेटी तेरे इलाज के लिए हिंदुस्तान के बनारस काशी से संत आए हैं पैर को छू जरीना डर के बिल्कुल शिष्य जब पिता के पास आई अब्बा के पास आई कबीर की दिखला कि लक्ष्मी की सीर तक तेरे शरीर में कोर कहां गए कबीर जी की पारा पूछा पहले जो मैं कहूंगा करना होगा शांता कल जो हूं बड़ा भिलगी बड़ा दवाई कराओ ढाई करोगी ठीक नहीं गई आपे तो शरा जवन कबर पवन कर कल तुम मोहल के बहरे चल जा जब आवाज लगाई जब बुलाई तो यहाँ से बिटिया देखने लगे बुलाया बिटिया खड़ी हो गई तभी भी हमें पापा का लगे डर भी बिटिया है आसाराम का चेला नाना हो आजकल बाबा का तैयार पता है यार क्या रोज पकड़ा था इंसान डरा नहीं पहला आंख बंद कर ले आए देखी आंख बंद कर ले जब तक मैं ना कहूं तब तक खोलना नहीं बाबा बाबा जब तक मैं ना कहूं तब तक खोलना मत बड़ी बिटिया डरा गई कहना जब ले कहो तब ले आंख खोले मत अल्लाह जो जो बिटिया आई डरा गई कि ई बाबा का फोन की जवन को हम फोन करे कि बड़ी आंख बंद कर ले सुत जो हां सुत जो तो फिर के बाद कबीर जी अपने झोलवा में हाथ न मने बा 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 लग गई काम कर रहा है भैया कबीर जी झलवा में हाथ सोई नहीं खुदा को मनाई के बिटिया भी आई के
सुतार के कबीरी ढोलवा में हाथ नौलन, हाथ निकाल के नाई के खेचरी बूटी निकलन, बुटिया के पीस के मोहवा बवा के तीन सीसी इंटरवल भैया चीता वाला के बदले सत्तर के नीचे सत्तर के नीचे से तीन सीसी बिना पानी है बिना पानी है अरे हाथ गाली तो के इतना भर्ती लगावत तो ऊपर से कुछ खियावे के पियावत सब जोगी जी का सोना चांदी जवन कुछ मांगे के मांगला करे खातिर तैयार है चाहे कि मेरी बिटिया का कोल ठीक हो गया बहुत प्रसन्न है वहां तक निकाल के तलवार कहे कि मेरी गर्दन का काटा चाहती तू भी काटा दी कबीर जी बोले ठीक है ठीक है जब समैया आई तो मांग ले कलिया मांग ले तो भैया पूरा बताना हर गांव में सारे दो तीन के घर बगल ना रहे हर गांव में दो तीन से कुटना रही तो गेहूं के पर और जो में लिए तो उनके खैले से मतलब ना हो वो देखिए कि फलाने का खिलिया जट गए फलाने का सब्जियां जट गए कहे फिर खेले
जो भाई को सारे देसी गेहूं काट लेना पूरी कहीं घुमा ले लेना मतलब काम है धर्म गड़बड़ती है। उसी तरह शाहजाद एक मंदिर है सरोवर दोगला रहे बगलिए से कुल बतिया सुनत रहा संसार मारे खुशी कह दो कि सोना ले लो चांदी ले लो मोह मोह ले काली ले लो कभी भी गेल में बैठल हो लेहल गत्ता पकड़ के लस यार बाप अरे कदी अय्यन पहले के बड़का देवे वाला भर हुआ ना बाबा लेका करना भर सब बड़का देवे वाला हुआ हां विदेशी का हर को मत कैसे माई को माही मामा इच्छाधारी नाम ना हो तो जैसे मारी समाही के मामा अरे बेटी के दर मामा अरे वो कलम वो दीये लेकर भरवा से मुरावा वैसे बाबा साहब तू फानी ये तो वजीर मूर्ख भाई राजा तुला अरे बेटी के नया हो कहा के तुम पाथे तू बिदेशा राजा दिना बिरहा सुनिया एकदम निचोड़ बिरहा है कहला कि बड़का देवे वाला भंगलुआ कह दुआ के सोना ले लो चांदी ले लो मार ले लो या तारी ले लो ऊ बाबा हो ऊ बनारस है अगर कोहमा फूल के मांग ले के देवे के पड़ जाएगी संसार का इसमें क्या मिल गया थी कोई जो कुछ मांगे दे दूंगा कहो बड़का देवे वाला भंगलुआ अगर मैं कोहमा फूल के तुम्हें पीलम के मांग ले के दे दूंगा बेटा भर ले ले अब धीरे धीरे ये फूट लग लगे सही कह रहा है बेटा को छोड़ो अगर घर पिटिया गए तो मान नहीं टका दे दे बा मतलब इतना धौर गलत घटना की कभी भी सहसा फूल के गुंडारा सही कह रहे हो लेकिन एक गलती है मैंने पत्र लिख करके पूरे विश्व में फैला दिया है कि जो भी विद्या का ठीक कर देगा राजपाट जो मांगेगा दे दूंगा अगर इस कबीर को नहीं दिया तो अपने मुल्क अपने देश में जाकर तो मेरी बदनामी कराएगा मुझे मन करेगा कल वो करे बजे कहा परेशान हुआ वो करे बजे कहा परेशान हुआ वो पाए कल कहा कल कबीर की बुला के कटवा के मोहल्ले में दरवाजा ना रही बात कभी भी तो यह सपना से नहीं होगी बिहार में नाम मिली कहना की मुद्रा में की बढ़ता बढ़ता छोड़े हो कभी भी ये करें कहना सहन था अब हम भी छोड़ दा हम की जाहिर दा बिगड़ गए सहन था आ कभी कभी अरे तू साधु नहीं सवाधु है तेरी नियत अपनी है तेरी नजर मेरे तहत के मेरे बेटी की थी तुझे नाम नहीं मेरा सदर कलम होगा भाई दरबार में कभी भी तुम हो जाए नहीं भैया तेरे बेटिया का कोई भी ठीक नहीं जबन कुछ मांगा थी देवा ना देवा चल जा जा ये गर्दन कटे वाली बात कहां से आई चलो हां तेरी खाल है कबीरा की अरे पीरन में धोती पड़ गई शादी पर लगी थी आप में थी गई मुंगई Hey
कबीर जी को लोगों ने दिया का कुर्सी के लिए कहे का कुछ हुआ ना कहीं तुमको कुछ नहीं मिलेगा तेरा सर कलम होगा मैं जा के फिर बिल्कुल मेरी मनमानी कराएगा ये कबीर जी जान गए थे अब कट गया सदन में कोई दिमाग लगा कल एक मिनट आप हमको काटना चाहते हैं मुझे कोई गम नहीं मैं हंसी खुशी कर जाऊंगा लेकिन 360 दवाई का नहीं लगा जैसे तुम्हें बिटियावा का कोहबा ठीक कर दिली वैसे ही 360 दवाई का नहीं ला अगर रात डुबा के तो 360 दवाई हमारे समय चल जाएगी एक रात का समय देगा तो हर फायदा हो कलाकार कल 360 दवाइया लिख दे तुम्हारे पूरे मुल्क में रात में न क्योंकि खौरा कुछ होगा नहीं कबो के उम्र में न कहिए कुछ नहीं मंत्रिया तलाक रहे कलश की अच्छा इसमें तो प्लस का फायदा है तो चलो एक रात का ही मौका तो मांग रहे सुबह दे दिया जाएगा कटोरी में पानी दे दिया पानी का हो भाई बाबू पानी का हो कलम 360 पन्ने की काटी कटोरी कटोरी क्या करे कलम सीढ़िया घर हो 360 पन्ने की काटी कटोरी खोरी में पानी लेकर के सहनसा था बड़ा चलाक कभी रूम में बंद करवा करके ताला लगा के चारों तरफ से पता लगा दिया कबीर जी के कौनों दवाइया ना आया तो कह लिखे धीरे धीरे रात भयल भोर भयल 4 बजल 5 बजल 6 बजल यह भाई कबीर जी के पसीना छुआ तो कहना कि नल लिखो के सत्य को गुरकार दिए संग्रह कैसे लाला तब धीरे धीरे रजनी माने रात रजनी गंधा के फिल्म बनाई में हुआ ये भैया धीरे धीरे रजनी बीत गई भैया तीन तो सारा भैया घोर बगल 360 पन्ना में जहर
फूट करना और कुल पन्ना लिखने की इसका मतलब अगले पन्ने में सुनो सुन दिया इसका मतलब अगले पन्ने में इसका मतलब अगले पन्ने में कुल में जहर लगाया गया इसका मतलब अगले पन्ने में इसका मतलब अगले पन्ने में 360 में लिख देना सिपाही है खोलना तैयार हो बाबा कभी रोग ऊपर से कटा जाएगा फंसी गई कटने से पहले मेरी आखिरी इच्छा ये है कि अगर दवाई लिखा हो सर कर दीजिए हुजूर कह दीजिए कहो लाओ अभी तेरी इच्छा पूरी करता हूँ एक लंबा पत्र लिखल है इसका मतलब अगले पन्ने में फिर पत्र लिखल है इसका मतलब अगले पन्ने में फिर पत्र इसका मतलब अगले पन्ने में 20 पन्ना पलट देना तो लिखल है इसका मतलब अगले पन्ने में ये क्या लिखा डरा गया कि यार कटिए जा कला दवा लिखने हुजूर पहल जा जब हम पैसा पन्ना पलटे ये वित्र विहार सुनने वाले साथी हम आज सेना आदि अनादि काल से ही हम पर आदत है पन्ना पलटक के समय में पेपर पर के समय में कापी पलटक के समय में लोग इन्हें के समय में खूब लगाई जाए अपनों पलटवा पड़ा वही गलती शहनशाह कर दिए भाई सेवा पन्ना पर कर काफी में जहर रहे लंगूरी पर आए लंगूरी से जबान पर आए जबान पर पड़े पड़े नीला पर लग लगे अद्दा किया चल गई ना जोजक चल गई ना चंदन जोजक पहुंच गई लगे काफी पकड़ ले तब ले यार सब कुटना आ गए नंतरिया कल सलाह यार कभी ये क्या लिख दिए कि मेरे शांता का बोल नहीं रहे पता तो कपिया ले लगा हाँ साथ ऊपर कल पहले पढ़ा यह मैं तो कच्चे जिस पर ना बाईस पर तमाह ये तीसरा पे यह पढ़ा कल लुढ़िया दोनों मर गए कबीर जी के अनुसार बतिया का रोग ठीक के लिए हम कुछ चाह बना फैला कर दू लेकिन वहां के मुसलमानों ने क्या बगदाद देश के मुसलमानों ने कबीर जी के साथ क्या किया मास्टर वहां के मुसलमान एकत्रित हो गए कबीर जी को कहे कभी ये क्या खेला है यार एक तरफ शहंशाह जी किया का पुणे दूर पूरी किया और एक तरफ मेरे मंत्री और मेरे शहंशाह बोल नहीं रहे कबीर जी के तो वहां से निकले गए हैं कहां वे ये लोग का दवाई हिंदुस्तान में है हिंदुस्तान चली आवे दा हम दो या लेके फिर आ जा कैसे ला ना तो कहे भी बता यार मुसलमान से हरिया अपने चलाकी और अपने चतुराई से
अपनी जान बचा करके कबीर जी बगदाद देश से वापस हिंदू। ऐसे ऐसे संत ऐसे संत हिंदुस्तान में हुए, संत कबीरदास, कालीदास, तुलसीदास, रविदास, आज भी बड़े बड़े संत हैं। आसाराम बापू, नारायण साईं, राम रहीम, चुम्मा बाबा, राधे माई छलक के लौंडम पे चढ़ जाले बेटा सब पन्ना बा जैसे तोरे के तरह जो गाड़ी फाड़ी बढ़ुले रहे। लेकिन आज एक संत हमारे बीच में है, श्री श्री 1008 परम हंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज, जिन्हें विश्व गुरु का पद मिला है, जिन्होंने यथार्थ गीता का हिंदी में अनुवाद किया है। आज विश्व गुरु का है, बिहार का नाम खंडान का बच्चा है। भगवान करते कवि सुरेश ध्यान, अरे कबीरा की सूरत बहु बदली, कवि सुरेश पत्री भर में